हुआ है बताएं जरा। हम लोग के जवाहर नवोदय विद्यालय में पिछले 2-3 दिनों से लाइट की वजह से पानी की प्रॉब्लम थी, बिजली की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से हम लोग को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। हम लोग के हॉस्टल में सीवेज की प्रॉब्लम थी, जिसके लिए हम लोगों ने प्रिंसिपल सर से बात किया और हमारे जितने भी स्कूल के शिक्षकगण थे उन सभी से बात किया गया, जिसमें हमें आश्वासन दिया गया कि 3 दिन के अंदर जितनी भी स्कूल की सारी प्रॉब्लम है वो सारी प्रॉब्लम 3 दिन के अंदर सॉल्व की जाएगी। अगर 3 दिन के बाद नहीं सॉल्व हो रही हैं तो हमारे जो भी अधिकारी हैं वो आएंगे, स्कूल का निरीक्षण करेंगे, अगर उनको कोई भी कमी मिल रही है तो फिर जो उनका अगला कदम होगा वो अपना उठा सकते हैं। आप लोग कब से बैठे हैं स्ट्राइक पे? हम लोग सुबह 4 बजे से बैठे हैं, 5 बजे। अभी कितने बज रहे हैं? ये बज रहे हैं 8:30 के आसपास। तो आप लोग स्ट्राइक खत्म कर दिए? हाँ, हम लोग स्ट्राइक खत्म कर चुके हैं, क्योंकि हम लोग की जो भी प्रॉब्लम थी वो हम लोग के प्रिंसिपल सर ने आपस में समझ लिया और हम लोग को 3 दिन का आश्वासन दिया गया कि 3 दिन के अंदर हम लोग सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाए। किस क्लास के हैं आप? हम लोग, मैं क्लास 12th का हूँ, प्रेजेंट टाइम स्कूल कैप्टन हूँ मैं, विद्यालय का रवि प्रजापति।